मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाना आप वलुन्ना से खुरूज निजा बोएसु वाना कायदो मिजा वफदु वाना खतीबो मिजा अनसदु वाना शफीयो मिजा हुबिसु वाना मुबशिरो मिजा यायसु अलकरामत वलमफातिहु यौम जिम्बी यदी वलिवाउल हम्द यौम जिम्बी यदी। हुज़ूर ने फरमाया जिस दिन सारी दुनिया चुप होगी ना वाना खतीबो, हुज़ूर फरमाते हैं बात उस दिन मैं करूँगा। फरमाया जिस दिन सारी दुनिया को रोक दिया जाएगा उस दिन शफात मैं करूँगा। फरमाया जिस दिन सारी दुनिया मायूस हो जाएगी, हाँ ये लफ्ज़ बड़ा अजीब है, सारी दुनिया मायूस हो जाएगी कि आज किसी की बच नहीं है, कोई नहीं बचेगा, वाना मुबशिर हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं फिर उस दिन मैं कहूँगा क्यों मायूस होते हो, मैं जो मौजूद हूँ। अल करामत वल मफातिह यौम अल, जो दुनिया आखरत में इज्जत चाहता है उसका एक ही तरीका है, हुज़ूर से प्यार करे। ई मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे। लेकिन उम्मत को अभी तक समझ नहीं आ रही। इकबाल कहता पेशे शबे बगुरेस्तम जार कि मुसलमान आ रहा चरा जारन दो खारन निदामत तू नमीदानी की कौम दिले दारन व महबूब नदारन। इकबाल कहता कलंदर लाहौरी में एक दिन अल्लाह के सामने रो पे आ रहा थी, या अल्लाह जिधर वेखो मुसलमान जलीलन वजह। इकबाल कहता निदामत तू नमीदानी की कौम, इकबाल कहता मैं आवाज़ आई जलिया तू क्यों रोना, इन्हें कलमा हुजूर तो पढ़िया इन्हें यकीन कोई नहीं किया, जे ना यकीन किया होता तो ला रैब किताब जिदा एक जबर ते जेर भी ना कोई बदल सकया। अज वो कुरान छड़ के ते अंग्रेजा दिया कानून थोड़े पढ़ने सन, इन्हें फिर अंग्रेजा दिया तालीमा पढ़ के ते कुरान दे बच्चे आफजा जनाब सिर्फ मसीती वास्ते छड़िया ते अपने बच्चे जनाब पढ़िया तो की मुड़ के मिले कि हाफिज तो फिर भी क्यामत वाले दिन भी कुरान की मंजिल पढ़द्या पढ़द्या नूर दियाँ सीढ़ियाँ चढ़ेगा। हाँ जी आप हुज़ूर फरमा दिन क्यामत वाले दिन हाफिज़ नूं कहा जाएगा भाई जिवें दुनिया तो कुरान पढ़ता सी ना इंज कुरान पढ़ तो नूर दियाँ सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा। अलहमदो तो हाफिज़ शुरू होना है तो वन्नास तक जिते जाके मुकड़े कुरान उत्थे हाफिज़ का मुकाम होना। फारूक आजम के जमाने से एक बंदा सी रोज़ाना हज़रत उमर को रोटी मंगन आ जाता, कभी आ कहे दाने मुक गए, कभी कहे आज रोटी मुक गई, कभी कहे आज जनाब गुड़ मुक गया। हजरत उमर एक दिन जलाले चा गए, फरमाओ जलिया की उम्र का दरवाजा खट जाएगी, जा जाके कुरान पढ़िया कर। 26 लफ्ज वाली अंग्रेजी रोटी दें दी, 29 लफ्ज वाला कुरान रोटी नहीं दें, कैसी बात है। मुसलमाना तो वेखो फिर भी जो पढ़ पढ़ पढ़ा रहे होंगे पढ़ रहे होंगे उन्होंने यकीन कोई नहीं आता, वह भी अपने पुत्रों फिर आला तालीम पढ़ा। लोगों के पुत्रों सवेरे कुरान पढ़ा रहे होंगे अपने पुत्र स्कूल भेज रहे हो। इकबाल कहता सुना है ताजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी। इकबाल कहता गुलामी कुत्ते नालों भी बैड़ी, हाँ जे खूए गुलामी जे सगा खार तरस मन नदीदम के सगे पेशे सगे सरखम का। इकबाल कहता मैं आज तक कोई नहीं वेख्या लिस्सा कुत्ता तकड़े कुत्ते दे सामने सिर डा के बैठे हो, एक इंसान है जड़ा किसी ने चार पैसे वेख के यूं 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 नमाज का टाइम होवे तां भी नहीं कह सकता चौधरी साहब नमाज का टाइम है, इतनी गुलामी। अजान हो रही होवे तो बक बक कोई कर रहे होवे, भरी मजले से होवे तो होवे कोई पैसे वाला बंदा, भरी मजले से किसी जरूरत नहीं उन्होंने कहा जनाब अजान हो रही, इतनी गुलामी इंसान करता है ते देना के भी उन्हें चाह दी प्याली भी नहीं दे। ये एक सजदा जिसे तू ग्राम समझता है हजार सजदों से आदमी को देता है निजात। खूह गुलामी मैं तुम्हारे सामने दस रहा, जमात भी खड़ी होवे ना तो किसी की जरूरत नहीं किसी पैसे वाले कहे नमाज पढ़ो, उन्होंने नजदीक हो ए जुर्म है उन्होंने कहना नमाज पढ़ो।